चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक पे। नया टॉपिक क्या है पहले इसको देख लीजिए। तो नया टॉपिक है, अब इसको पहचानिए, ये जो सिंबल है ये सिंबल क्या है। थोड़ा सा दिमाग में अगर आप जोर देंगे तो ये सिंबल आपको पता चलेगा कि ये सिंबल है हमारे इंडिया का पहला वर्चुअल करेंसी, द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया? द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया। ये है क्या? ये जो सिंबल देख रहे हैं ये क्या है? अब आप देखिए इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है ERUPEE, यानी ई रुपया। यह हमारा इंडिया का पहला ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है। तो इंडिया के पहले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ई रुपी के बारे में तो जानेंगे ही, डिटेल्स में बिल्कुल जानेंगे, लेकिन आज इस टॉपिक में हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये डिजिटल करेंसी क्या होता है, इसको क्रिप्टो करेंसी क्यों बोला जाता है, वर्ल्ड का पहला डिजिटल करेंसी क्या था, किसने अनुमान लगाया था कि आने वाले वर्षों में 10 वर्षों में डिजिटल करेंसी हावी हो जाएगा, कौन सा देश डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन को मान्यता दिया। तो ऐसी सारी चीज़ें आज इस क्लास में हम लोग जान लेंगे। तो ई रुपीज़ के बारे में जब बात करें तो ई रुपीज़ आखिर है क्या, इसको सिंपली देख लीजिए कि ये क्या है। ये है ट्रूली कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। ये हो गया क्या? ट्रूली कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। इसलिए आप देखेंगे ये आपको कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा देखिए कैसा। ई रुपी की बात कर रहे हैं तो ई सिंबल हो गया रुपया का, ई रुपी UPI, ई रुपी UPI जो है इसका नाम है। और इसको क्या हम लोग कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग प्रीपेड ई वाउचर, प्रीपेड ई वाउचर, ई देखिए एकदम बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे आज हम लोग, ये बिल्कुल समझ जाएंगे जो भी हमारे मन में कन्फ्यूजन है। ना केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें हो सकती है, बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए जानकार बहुत जरूरी है कि हम इंडियंस को ये जानना चाहिए, क्योंकि अब ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इंडिया में आ चुका है, उसका जो सिंबल है वो ये है और उसे कहा जाता है ई रुपी या ई रुपया। चलिए इसको तो अब इसमें क्या जानना है, तो जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में तो डिटेल्स जानेंगे ही, कब इसकी घोषणा हुई, कब से लागू हुई, कौन सा बैंक इसको जारी करता है, इसका रेगुलेशन यानी रेगुलेट इसको कौन करेगा, तो सब कुछ जानेंगे यहाँ कुछ भी हमारा नहीं छूटने वाला है। लेकिन जो कुछ जान लेना चाहिए, जानना ये चाहिए कि जो डिजिटल करेंसी की बात क्यों आई, वाई डिजिटल करेंसी, वाई वर्चुअल करेंसी। तो इसकी बात इसीलिए आई कि अब ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है, और अब कॉइन और नोट का रिप्लेसमेंट दिखने लगा है। वो दिखने किसके रूप में लगा है? डिजिटल जो सिस्टम, पेमेंट सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं उसके माध्यम से, चाहे UPI के माध्यम से हो या फिर ई वॉलेट वगैरह होता है उससे हो रहा है, और रेगुलरली मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में, अब तो इंडिया में भी बहुत जगह मैक्सिमम जगह पॉपुलर हो गया है। अब तो एक समोसा के लिए भी UPI से पेमेंट हो रहा है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि डिजिटली तो हम लोग करेंसी को अडॉप्ट कर ही चुके हैं कि डिजिटल वे से हम लोग लेन देन कर रहे हैं, लेकिन ये उससे डिफरेंट कैसे है? व्हाई दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिजिटल वे ऑफ आवर ट्रांजेक्शन। तो क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि ये ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है, और इससे क्या क्या होगा सब कुछ अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्ल्ड में जो पहला डिजिटल करेंसी जिसके बारे में चर्चा होती है वर्ल्ड का, चलिए यहाँ लिख लेते, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल करेंसी, अब वो क्या क्या था? BMoney, ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला डिजिटल करेंसी था। मैं यहाँ एक बात और कर दूं कि अब आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन में एक कार्ड भी यूज होता है, जैसे हम लोग ATM में कार्ड यूज करते हैं,
मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, रुपए कार्ड हो, उसी तरह अलग अलग ट्रांजेक्शन में कार्ड यूज होता है। ये कार्ड का भी प्रचलन विश्व में बहुत पहले से है। जैसे सर्टन अगर रोडवेज का सर्विस लेना है या मेट्रो का सर्विस लेना है, उसका अलग कार्ड है और उस कार्ड से ही वो पेमेंट कटेगा। तो इस तरह का सिस्टम विश्व में बहुत पहले से चला आ रहा है। तो कार्ड वाली बात नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है करेंसी, जो डिजिटल करेंसी जिससे कि हर तरह के लेन देन हो सकता है। वो तो किसी सर्टन या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज हम कर रहे हैं उसके वजह के लिए ही होता है वैसा कार्ड। लेकिन यहाँ क्या है कि ये डिजिटल करेंसी है। तो वर्ल्ड के फर्स्ट डिजिटल करेंसी हो गई बी मनी। आपको मैं एक डेविड चाम एक नाम है, फेमस नाम इसीलिए बन जाता है क्योंकि डिजिटल करेंसी की ओर विश्व बढ़ रहा है। ये डेविड चाम, इन्होंने PhD की और इनका टॉपिक क्या था जानते हैं? इनका टॉपिक ही था डिजिटल करेंसी के ऊपर। इन्होंने अपने शोध में यह कहा कि आने वाले समय में विश्व में डिजिटल करेंसी का प्रचलन बढ़ेगा, यानी डिजिटल करेंसी की संभावना है, उस पर इन्होंने शोध किया। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि अच्छे जगह पे या फिर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में जो PhD होता है ना, PhD का काफ़ी महत्व होता है क्योंकि PhD रिसर्च वर्क है और रिसर्च रटा रटा नहीं हो सकता है। हमारे इंडिया में बहुत दुख के साथ स्वीकार करना पड़ता है, मैं अपने कई ऐसे सैकड़ों मित्र को जानता हूँ जो PhD किया है, वो एक रटा रटा या पैटर्न है, उस रिसर्च से कुछ भी नया नहीं निकलता। लेकिन जो अच्छे जगह है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ क्या होता है कि शोध से कुछ नया निकलता है। यहाँ डेविड चाम नाम के एक शोध करने वाले, PhD करने वाला ने कहा कि नहीं, डिजिटल करेंसी अब फ्यूचर में आएगा, आने ही वाला है। और इसी सोच पर उन्होंने क्या किया कि 1983 में एक कंपनी बना डाली अपनी, डिजी कैश। इन्होंने एक कंपनी बनाई, डिजी कैश नाम से इन्होंने एक कंपनी बनाई। कब बनाई? तो 1983 में। ऐसे ये सोच उस समय के लिए काफ़ी नया था क्योंकि आपको याद होगा कि 1983 की बात अगर कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ था, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम था वो भी काफ़ी पॉपुलर नहीं हुआ था। ये पॉपुलर कब हुआ? जब कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ने लगा और फिर कंप्यूटर से टैब और टैब से मोबाइल आया और जब इस पे नेटवर्क की सुविधा मिली, इट मीन्स कि अगर इंटरनेट जब मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ गया तो क्या हुआ, टैब से जुड़ गया तो क्या हुआ, वहीं से क्रांति आनी शुरू हुई। और फिर क्या हुआ कि डिजिटल करेंसी ही सही, हम बात अभी डिजिटल करेंसी की, तो डिजिटल करेंसी की और बहुत तेज़ी से लोग बढ़े। तो ये डिजी कैश जो उन्होंने बनाया था ना 1983 में, ये चल नहीं पाया कुछ वर्षों में, 8-10 वर्षों में ये डेविड चाम की ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। अब बात करते हैं एलन मस्क। आप एलन मस्क को जानते हैं जो कि हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच अपना क्लियर करते रहते हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। उन्होंने बहुत पहले, यानी बिटकॉइन आने से पहले, उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जैसा कोई डिजिटल करेंसी, अब आएगी बात क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी जो है विश्व में तहलका मचाएगी। और ये सच हुआ, और उनके सोच के बाद ही, उन्होंने 2009 या 10 में ऐसा कहा था और 2020 में तो संपूर्ण विश्व बिटकॉइन को मानने ही लगा। मानने क्या लगा? उसका वर्चस्व स्थापित हो गया, ये क्रिप्टो करेंसी जिसका वर्चस्व स्थापित हो गया। तो यहाँ पे एलन मस्क की भी बात आती है। तो जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है ना, वो है बिटकॉइन। और ये आया था कब? 2009 में। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, कोई भी वर्चुअल या डिजिटल करेंसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी। आप हमेशा देखेंगे बिटकॉइन के बारे में चर्चा नहीं होती, चर्चा होती है क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज बिटकॉइन एक नाम हो गया, एक ब्रांड हो गया। जैसे बहुत सारे करेंसी चल रहे हैं, तो रुपया हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, स्टर्लिंग हो गया, दिरहम हो गया, तो अलग अलग है, तो वो क्या सारे जो है वो करेंसी है। तो यहाँ इसी तरह है कि जो सारे डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी है उसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो क्यों बोला जाता है अभी देख लेंगे हम लोग। क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी इसलिए बोला जाता है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये बेस्ड होता है क्रिप्टोग्राफी पे।
क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होता है, ये जो डिजिटल वर्चुअल करेंसी होता है ये क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो क्रिप्टोग्राफी और कुछ नहीं है, ये होता है छिपा हुआ, मतलब किसी चीज़ को छुपा के रखा गया है, छुपा हुआ, छुपा या रहस्य वाला बात। तो यानी क्या हो गया, इसको समझिए अच्छी तरह से, कि हम डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी जो है उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। बिटकॉइन एक ये हो गया, नाम हो गया उस क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित होता है। और क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी होता है किसी भी चीज़ का जो पढ़ने का तरीका हो, जांचने का तरीका हो, या फिर वो जिस सिस्टम से काम कर रही है उस सिस्टम को छुपा के रखा गया है, वो रहस्य वाली बात है, ये सबके लिए वो जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी। ये छुपा हुआ या रहस्यात्मक बात है, बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है रहस्यात्मक बात है। अब बात आएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्रिप्टो करेंसी उसको बोल रहे हैं, तो क्या हमारा ई रुपया भी क्रिप्टो करेंसी होगा? क्रिप्टो करेंसी है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया और ये वर्ल्ड लेवल पे चीज़ों को समझा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ क्या हमें बिटकॉइन या वर्चुअल बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, वर्चुअल करेंसी हो, उसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है। अब हमारा फोकस शिफ्ट होगा, शिफ्ट होकर आएगा ई रुपीज़ के बारे में। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लें। अब जानते हैं हम लोग इंडिया के ई रुपीज़ के बारे में, ई रुपये के बारे में, ये क्या है। तो ई रुपीज़ जो है इसका सिंबल हो गया, ये गौर कीजिएगा, ये सिंबल ये हो गया, और ये है यूपीआई प्रीपेड ई वाउचर। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया ट्रूली कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। किसका? इंडिया का ई रुपीज़। अब क्या है कि ई रुपीज़ जो है इसकी घोषणा आरबीआई द्वारा कब की गई? तो इसकी घोषणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब, 1 नवंबर 2022 को आरबीआई घोषणा करती है। आरबीआई घोषणा मतलब सरकार घोषणा करती है किसके बारे में? इसके बारे में, यानी ई रुपीज़ के बारे में। अब ई रुपीज़ के बारे में घोषणा कब हुई? तो 1 नवंबर 2022 को। और पहला ई रुपीज़, जो ई रुपीज़ है ये क्या हो गया, ये ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया है। और ये जारी कब हुआ और लागू कब से हुआ? तो जो लागू हुआ, ये लागू हुआ 1 दिसंबर 2022 को। ये समूचे भारत में, इंडिया में लागू कब हो जा रहा है? तो 1 दिसंबर 2022 को लागू होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो डिजिटल करेंसी 1 दिसंबर को ही लागू होती है, और 1 दिसंबर को ही क्या होता है कि 1.71 करोड़ रुपये का जो ई रुपीज़ है जारी किया गया। कब? फर्स्ट डे को, ठीक है, फर्स्ट डे को 1.71 करोड़ का ई रुपीज़ जारी किया गया, जो हमारा वर्चुअल करेंसी वो जारी किया गया। अब जो वर्चुअल करेंसी जारी किया गया तो एक सिस्टम के तहत काम कर रही है। क्या सिस्टम है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ का जो करेंसी सिस्टम जो है उसको मॉनिटर कौन करती है? आरबीआई। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि आरबीआई ने एक सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, ये सीबीडीसी को जिम्मेदारी दी गई। किसकी? तो ई रुपीज़ की जिम्मेदारी किसकी हो गई? तो सीबीडीसी के। मॉनिटर कौन करेगी? तो सीबीडीसी। अब क्या है कि जो सीबीडीसी मॉनिटर करेगी और जारी करेगी क्या ई रुपीज़, तो ई रुपीज़ जारी करेगी। तो अभी ई रुपीज़ मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा और कौन उसका व्यापार कर सकता है, यूज कर सकता है? तो एक्चुअली अभी क्या हुआ कि ई रुपीज़ का इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए अलाउ किया गया। अभी ई रुपीज़ जो है इसका यूज कौन कर सकेगा? सिर्फ थोक में गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज होता है ना, प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए सिर्फ अभी किया जा सकता है, ठीक है।
यह सिर्फ थोक काम के लिए अभी जो जारी किया गया है, और इसका जो अधिकार दिया गया है यह अधिकार चार बैंक को दिया गया है, SBI को दिया गया है, ICICI, IDFC और यस बैंक। चलिए इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये SBI, ICICI, फिर हो गया IDFC फर्स्ट और हो गया यस बैंक। इसको क्या हुआ, इन चारों बैंकों को अभी है कि ये चारों बैंक ₹1 जारी करेगा, यानी इस अगर कोई ये फैसिलिटी ₹1 का लेना चाहता है तो उसे कहाँ जाना होगा, SBI, ICICI, IDFC या यस बैंक। और जो अभी चार शहर जहाँ ये चल रहा है उस टाउन के बारे में भी जान लीजिए, तो हो गए नई दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब, बंगलुरु और भुवनेश्वर। ये हमेशा कन्फ्यूज क्रिएट करेगा क्योंकि भुवनेश्वर आर्थिक दृष्टिकोण से जाना नहीं जाता, लेकिन यहाँ शुरू हुआ है, जो पहले चार शहर है जहाँ ये शुरू हुई है उसमें भुवनेश्वर भी है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा भुवनेश्वर को लेकर, ये एकदम तय बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, ₹1 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए थोक के रूप में जारी कौन कर रहा है, SBI, ICICI, IDFC, यस बैंक। ये किससे लिया, CDFC से और CBDC से, और CBDC कब जारी किया, तो फर्स्ट जिस दिन लागू हुआ है ये 1 दिसंबर को, उसी दिन 1.71 करोड़ रुपये का ये वर्चुअल करेंसी जारी हुई है। तो यहाँ क्या हो गया, ये फैक्ट है। अब इसमें देखिए, मेरा ये सवाल जो अभी जहन में आ रहा है वो आप सबके जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि ये जो हमारा ₹1 है ये क्रिप्टो करेंसी है या नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी होता है, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल लीजिए, तो बिटकॉइन जो हो गया या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी, वर्ल्ड में अभी जितने तरह का क्रिप्टो करेंसी चल रहा है कोई भी सेंट्रलाइज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रलाइज नहीं है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज नहीं है। मतलब सेंट्रलाइज का मतलब होता है सरकार का नियंत्रण, यानी विश्व में जो भी क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, इवन बिटकॉइन ही सही, उस पर किसी भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए असुरक्षा या डर का होना स्वाभाविक है। लेकिन ₹1 के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है कि ये विश्व का पहला सेंट्रलाइज ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है। इस बात को फिर से सुनिए, यह ₹1 विश्व का पहला सेंट्रलाइज ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है, यानी ये हमारा जो वर्चुअल करेंसी ₹1 हुआ ये सेंट्रलाइज है, इसीलिए तो RBI ने इसकी घोषणा की। इसके बाद CBDC इस पर मॉनिटर करेगी और फिर हमारे यहाँ जो बैंक्स काम करते हैं वो बैंक इसको जारी करेंगे, यानी ये सरकार द्वारा नियंत्रण में है। इसीलिए ₹1 बिटकॉइन या फिर एनी अदर क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंस है, क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और यहाँ सरकार का नियंत्रण है, इसीलिए आप ₹1 पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं जो आर्थिक धोखाधड़ी इंटरनेट के कारण होती है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए ₹1 के प्रचार प्रसार के साथ साथ इसके सुरक्षा पर भी बेहद ध्यान दिया गया है, ताकि इस आर्थिक धोखाधड़ी ना हो, और लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि डिजिटल करेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आर्थिक धोखाधड़ी भी बढ़ रही है, जो एक भारत के लिए गंभीर समस्या और चिंता का विषय है कि वो हमें इस सेक्टर में यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वर्चुअल पेमेंट सिस्टम में आगे बढ़ने से रोक रही है। इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसके साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ₹1 है इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी नहीं होगा, यानी इंटरनेट का कनेक्शन के बिना भी आप ₹1 का लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि अभी लिमिटेशन है, पहले शहरों का लिमिटेशन है, इसके बाद ये थोक सिक्योरिटीज़ के लिए ही परचेज किया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये हमारे आपके पर्स जैसा काम करेगा, हर छोटे बड़े लेन देन में ये काम आएगा, इसीलिए ₹1 जो है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि ये सुरक्षित है, सरकार द्वारा जारी है, इसीलिए इस पर विश्वास करना स्वाभाविक है। अब चलिए अंत में एक बात और जो अच्छा दिमाग से स्किप कर गया था, ये बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन को
सरकार द्वारा मान्यता, यानी बिटकॉइन को किसी सरकार द्वारा मान्यता दिया गया कि नहीं हमारे देश में बिटकॉइन चलेगा, जबकि बिटकॉइन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है किसी भी देश का। इसके बावजूद विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर, ध्यान से, विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर जो बिटकॉइन को अपने सरकार, बिटकॉइन को अल सल्वाडोर सरकार ने मान्यता दी कि हमारे यहाँ बिटकॉइन चलेगा, ठीक है। फिर दूसरा एक देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसने भी मान्यता दी है। यानी अभी दो ऐसे देश है, अल सल्वाडोर फर्स्ट और सेकेंड हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये ऐसे दो देश है जहाँ पे जो बिटकॉइन है वो सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है कि इसे सरकार द्वारा मान्यता देकर चलाया जा सकता है, यानी इन देशों में बिटकॉइन चलेगा। ये एक नया टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था, हम सबों को जानना ही चाहिए, क्योंकि हम फिर एक नई सोच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ई रूपीज इस दिशा में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी विश्व के पटल पर, क्योंकि ये विश्व का पहला ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है जो सरकार के नियंत्रण में है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। इसीलिए इस दिशा में निश्चित रूप से आने वाले समय में, चाहे वेस्टर्न यूरोप हो या यूएस, कनाडा, कोई भी डेवलप्ड नेशन हो, वो आगे बढ़ेगी। आप निश्चित रूप से आने वाले समय में, हम आप इसी पर बात कर रहे होंगे कैसे यूरोपीज ने विश्व में जो डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी की जो व्यवस्था चल रही थी उस पर बदलाव लाया। ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा लगा होगा, ये एक नई जानकारी है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि इसे अच्छा करने की दिशा में क्या किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।